हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इफ टेन ए इक्वल 1/√7, तो कह रहा है शो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का। देखिए, अगर यहाँ पर थीटा दे रखा तो अगर इसको हम थीटा ही मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टेन थीटा को दे रखा है 1/√7, तो कह रहा है शो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा अपान का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल हमको 3/4 दिखाना है। तो दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, हमको इन्होंने भाई साहब टेन थीटा हमको दे रखा है, हमको तरह 1/√, ये हमको ये 7 हमको दे रखे हैं, ये लेकिन तो हो जाएगा टेन थीटा हमको दे रखा है। या टेन थीटा होता आपका क्या है, ये आपका पी अपान का बी होता है। पी अपान का बी होता है मतलब क्या होता है, ये आपका लंब बटे आधार होता है। तो अगर हम इस साइड बच्चों क्या करें, अगर इस साइड अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें तो हो जाएगा ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने ऊर्जा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसी को हम लंब बोलते हैं। ये आपका बेस हो जाएगा, इसको बी से लिखते हैं, ये आपका बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं, ये आपका कर्ण हो जाएगा, इसी को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बी अपान का पी होता है, तो बी कितना अगर नाम देते हैं ए बी और सी, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ए बी अपान का ये हम लोग का पी कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, ए बी अपान का ये आपका बी सी हो जाएगा। और ए बी की वैल्यू हम लोग को दे रखी है, अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे बच्चों तो ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी, ए बी की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये आपकी ए बी की वैल्यू हो जाएगी, और बी सी हमारा निकलेगा 1/√7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या हो जाएगा बच्चों, ये हम लोग को बी सी की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए, हमको ए बी और बी सी पता है और हमको हाइपोटेनस या कर्ण निकालना है, तो क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स अगर आपको पता है तो हम उससे तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो यूजिंग है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ही आपकी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो जो थ्योरम का कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस ही बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ये लंब के स्क्वायर प्लस ये आधार के स्क्वायर की, ये क्या होता है, बराबर होता है। देखिए, कर्ण कितना हो जाएगा, ये आपका एसी स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण हमको यहाँ पे एसी दे रखा है। लंब कितना हो जाएगा, ये आपका ए बी हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। आधार हमको दे रखा है यहाँ पर बी सी, मतलब बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, ए सी हमको निकालनी है तो ये ए सी आपका प्रॉपर, ये आपका ए सी ही रहेगा, ठीक है बच्चों। और ए बी की वैल्यू हमको 1 दे रखी है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर पता है 1 ही होता है, ठीक है। अब बी सी हमको दे रखा 1/√7, तो ये 1/√7 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1/√7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, ये ए सी स्क्वायर आपका इक्वल हो जाएगा 1+ का। अब 1/√7 को, अब देखो आपको पता है किसी भी, जैसे कोई नंबर लिखा होता है, जैसे आपको मान लिखा है ये 1/√ आपका x लिखा है, तब इसका स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका जब स्क्वायर से आपका ये रूट आपका ये हट जाता है तो सिर्फ आपका ये x बचता है। अब कैसे बचता है, देखो बच्चों, ये आपका x की पावर, ये रूट को हम पावर 1/2 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका ये 2 ऐसे लिखा जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला क्या होता है कि x की पावर m की ब्रैकेट में अगर n लिखा हो तो क्या हो जाएगा, x की पावर m इंटू आपका ये n होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 × 2 हो जाएगा। ये 2 से आपका 2 कट जाएगा तो आपका x बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√7 का जब स्क्वायर करोगे तो आपका ये 7 यहाँ पर आपका पूरा पूरा ये 7 आपका ये आ जाएगा। अब देखो, ए सी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, 1/√ कितना हो जाएगा, 1+ का 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 8 को हम क्या ले सकते हैं, 8 को हम यहाँ ले सकते हैं 4 × 2 ले सकते हैं, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये जैसे 4 आपका ब्रैकेट के ये रूट के बाहर आएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये 2√2 आ जाएगा। ये बच्चों आपकी ए सी की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी सेंटीमीटर में हो जाएगा, बच्चों क्या हो जाएगा, ये ए सी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2√2 आ जाएगा। तो ए सी हमारा कितना है निकला, 2√2 सेंटीमीटर हमारा ये निकला बच्चों है। अब देखो, हमको ए बी बी सी और ए सी हमको यहाँ पर पता है, तो
तो क्या हो जाएगा, अब देखो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको तीनों साइड समकोण त्रिभुज में और हमको तीनों भुजाएं पता हो तो हम सारे इसके रेशियो निकाल सकते हैं। बट बच्चों हम लोग अभी रेशियो नहीं निकालेंगे, अभी क्या करेंगे जो हमको गिवन है पहले उसको करेंगे, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमको दिखाना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा हमको किसके दिखाने कल है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा फिर अपान में ये प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हमको बराबर दिखाना है ये थ्री अपान का फोर ए होता है। अच्छा बच्चों आपको पता है इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है कि अगर साइन थीटा लिखा है तो इसको हम वन अपान कॉसेक थीटा हम क्या कर सकते हैं इसको है यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना बच्चों, ये हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वैसे ही अगर यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थी सॉरी कॉसेक थीटा के निकालोगे वैल्यू तो क्या जाएगा वन अपान ये साइन थीटा जाएगा। हमने क्या कर लिया इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, इन्हों आपस में प्लेस चेंज कर लिए। ठीक है बच्चों वैसे क्या होता है कि अगर आपका कॉस थीटा होता है तो इसको हम वन अपान सेक थीटा लिखते हैं, यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी वन अपान कॉस थीटा की आपका वैल्यू आ जाएगी। अब देखो बच्चों यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो हम क्या कर सकते हैं वन अपान साइन स्क्वायर थीटा इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या आ जाएगा सेक को हम वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से। अब बच्चों देखो इधर अपान में नीचे भी इसके फ्रैक्शन वाले पार्ट में भी हम सेम बिल्कुल से यही प्रोसेस करेंगे, ये क्या आ जाएगा वन अपान साइन स्क्वायर थीटा जाएगा प्लस क्या आ जाएगा सेक का क्या हो जाएगा वन अपान कॉस स्क्वायर ये आपका थीटा जाएगा। अब देखो इनका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका सॉरी यहाँ माइनस लगेगा आपका, क्यों कॉस स्क्वायर थीटा का जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई वन से करोगे तो क्या हो जाएगा आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ये आपका थीटा जाएगा। अब अपान में क्या हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी हम बड़ा वाला फ्रैक्शन लगा देंगे ठीक है हो जाएगा ये आपका इक्वल लगेगा ऐसे। अब नीचे सेम प्रोसेस करेंगे क्या आ जाएगा ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका ये थीटा आ जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक बार थीटा आ जाएगा। मतलब करते क्या है कि जो ये कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई हम लोग वन से करते हैं तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई जब वन से करोगे तो आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और अपान में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक अब देखिए ये वाला पार्ट आपसे पूरा ये कट रहा है। अब देखिए बच्चों हमारे पास कितना बचा है, बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है माइनस का क्या बचेगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा, अपान में क्या हो जाएगा आपका बचेगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका बचेगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पर ये आपका स्क्वायर लगा हुआ है ठीक है बच्चों इतना बचा है। अब इसके आगे का सवाल हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो बच्चों इसके आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा था कि हमारा ये इतना हमारा बचा हुआ था। अब देखिए एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे वाला पार्ट आपका वन हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ये हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा पार्ट जितना बचेगा। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, अब हमको ए बी बी सी सी ए पता है तो हम लोग क्या करेंगे अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की निकाले वैल्यू तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बी अपान का ये आपका एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका ये बी अपान का एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी सी, बी सी अपान का क्या हो जाएगा ये आपका ए सी हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ ये बी सी की वैल्यू हमको दे रखी है रूट सेवन और ए सी हमको दे रखा है टू रूट, ये हम लोग को टू रूट टू दे रखा है ठीक है बच्चों। तो यहाँ अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, ऐसे अगर हम साइन थीटा निकाल लें तो साइन थीटा आपका क्या होता है पी अपान का एच होता है, मतलब क्या हो जाएगा ये आपका लंब बटे कर्ण हो जाएगा ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा ये आपका ए बी हो जाएगा, अगर ये वाला हम लोग एंगल थीटा लेते हैं ठीक बेटा ये क्या आपका ए बी हो जाएगा ठीक है, और कर्ण ये
ये कर्ण कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये आपका AC हो जाएगा। तो AB की वैल्यू हमको दे रखी है 1 दे रखी है। AB की वैल्यू कितनी दे रखी हमको है, यहाँ पे AB की वैल्यू हम लोग को 1 दे रखी है। यहाँ कितना आ जाएगा, अंडर रूट आपका आ जाएगा, AC हमको दे रखा है 2, ये आपका 2√2 आ जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √7/2√2, और इनका क्या हो जाएगा, इसका ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन थीटा की वैल्यू हमको दे, साइन स्क्वायर थीटा रखना यहाँ पर है, ये साइन स्क्वायर थीटा रखना, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 का हो जाएगा, ये आपका 2√2 हो जाएगा, तो ये इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इसका जो हर है या सेम है, तो करोगे इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 2√2 का क्या हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा, देखो √7 का स्क्वायर करोगे तो आपका ये 7 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 6, ये 7 माइनस का कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर आपका ये 2 रहेगा, तो 6/2 का ये आपका 8 आ जाएगा। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 आ जाएगा। तो बच्चों हमको क्या प्रूफ करना था कि 3/4 होता है, बच्चों यही आपका प्रूफ हो गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।